यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वहीं जनक्रांति यात्रा के आखिरी दिन खबरें अभी तक के संवाददाता ने पूर्व सीएम हुड्डा से खास बातचीत की है। हुड्डा की जनक्रांति रथ यात्रा इसराना हलके के सुताना गांव में पहुंची है। इस क्रांति से क्या कुछ हरियाणा में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, किस तरह की क्रांति आप हरियाणा में लाना चाहते हैं? देखिए, जो पानीपत जो है ये ऐतिहासिक भूमि है यहाँ की, और ये इन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, इस भूमि पर हुए हैं। किसका दिल्ली में राज्य रहा है, क्या है दिल्ली, यहाँ पानीपत से बहुत बार फैसला हुआ है। जब 2005 में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी यहाँ, 2004-05 में चुनाव हुए, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे ललकार रैली शुरू की थी, और आज भी जब यहाँ समालका से रैली की हमने कल जनक्रांति यात्रा शुरू की दूसरे चरण में, तो यहाँ का जो रिस्पांस मिल रहा है 36 बिरादरी का शहर और गांव में, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ यहाँ लोगों ने फैसला कर लिया है इस सरकार को, मौजूदा सरकार को खदेड़ने का और हमारी सरकार बनाने का। सत्ताधारी पार्टी और साथ में इनेलो पार्टी कई तरह के आरोप लगा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वो आपकी रथ यात्रा से घबरा गए हैं या फिर कोई और? बौखलाहट है उनकी, क्योंकि कुछ काम किया नहीं। अगर अचीवमेंट होती कोई, अब जा रहे हैं हम गांव-गांव जा रहे हैं, इनकी विफलताएं उभर के आ रही हैं और हमारी जो उपलब्धियाँ थी वो लोग गिना रहे हैं, आपके सामने हैं। और आप देखेंगे किसान आज कर्जे के नीचे दब गया, गरीब आदमी दब गया। हमारी सरकार थी, हमने कर्जा माफ़ किया 2200 करोड़, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ़ किए, और अब फिर अगर मौका मिला हमारी सरकार में नहीं तो फिर से हम किसान के कर्जे की माफ़ी भी करेंगे, गरीब आदमी के कर्जे हम जैसे हमने किए थे हरियाणा में वो करेंगे। और बिजली आप देख रहे हो गाँव में बिजली आ ही नहीं रही, 1 घंटा बिजली आ रही है कुल। SYL का मुद्दा काफ़ी हरियाणा में गरमाया हुआ है, जब जब चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं SYL का मुद्दा गर्म हो जाता है। इस पर कल अभय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि हुड्डा स्वयं जिम्मेदार हैं जो SYL का पानी नहीं आया, क्योंकि वो 10 साल सरकार में रहे हैं। आपको क्या लगता है, और उनको ये भी कहना है कि जनता के हित में अगर हुड्डा काम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ SYL में सहयोग दें? वो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, हरियाणा की जनता समझती है। देखिए, ये फैसला जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका आधार क्या है? उसका आधार इंदिरा गांधी अवार्ड है, उसका आधार राजीव लोंगवाल समझौता है, और इसका जो समझौते को तोड़ा था पंजाब ने उसका रेफरेंस, जब मैं सांसद था सभी सांसद जाके प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से आदेश दिलवाए थे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रेफरेंस के, किसने कराए थे? इनने कराए थे, हमने कराए थे, जिसका ये फैसला हुआ। और जितनी SYL खुद ही आज तक, वो किसके कार्यकाल में हुई? कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। असली जिम्मेवार जो इस विलम्ब के हैं, जो अपना जो करतूत है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है इनेलो। आपकी सरकार आने पर क्या SYL मुद्दे को लेकर? SYL खुदेगी क्यों? अब तो कोर्ट का फैसला है, फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, ये तो हरियाणा में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, आज इसकी जिम्मेवारी है। देखिए, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो जन क्रांति रथ यात्रा उन्होंने निकाली है, लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन ललित पांडे के साथ गुलशन ग्रोवर, पानीपत।